आई एम डॉक्टर एपी सिंह, प्रिंसिपल प्रयाग विधि महाविद्यालय मवैया नैनी प्रयागराज। बच्चों, आज मैं पारिवारिक विधि के तहत हिंदू विधि, हिंदू लॉ पे अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ। हिंदू लॉ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमेशा से क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे। ये है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9, जो दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि जो विवाह का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में अंतर्निहित तत्व होता है कि पति पत्नी साथ में रहते हुए मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन का अनुपालन करें और हमारे नीति नियामकों साथ विधायिका सरकार का भी यही उद्देश्य होता है, विधायिका का भी, कि जहाँ तक हो सके पति पत्नी का रिश्ता कायम रहे, उनमें अलगाव न हो। जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उनका साथ रहना व्यवहारिक रूप से असंभव हो जाए तो बात अलग है, जहाँ तक हो सके संबंध को जुड़े रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य से यह धारा 9 बनाई गई है जो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित है। अब यह धारा तब लागू होती है जब विवाह का कोई भी पक्षकार बिना किसी संगत कारण के दूसरे पक्षकार के साथ रहना छोड़ दे, साहचर्य करना छोड़ दे, तो जो दूसरा पक्षकार है वो व्यथित होगा। तब वो दूसरा पक्षकार वाद दायर करेगा प्रार्थी के रूप में, कहाँ पे, जिला न्यायालय में। और उस याचिका में वो क्या कहेगा कि प्रत्यर्थी मतलब दूसरे पक्ष ने उसके साथ रहना छोड़ दिया है, उसके साथ साहचर्य में रहना छोड़ दिया है, सहवास करना छोड़ दिया है, जो मैरिज का विशेष आधार होता है। और दूसरा पॉइंट ये कहेगा कि दूसरे पक्ष का प्रत्यर्थी का अलग रहने का कोई भी संगत आधार नहीं बनता, कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं है, बिना किसी रीजनेबल कारण के वो दूसरा पक्षकार उससे अलग हो गया है। तीसरी बात वो कहेगा कि अनुतोष प्रदान करने में अन्य कोई विघ्न बाधा नहीं है। पहला कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ सहवास में रहना छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है। दूसरा, उसके अलग रहने का या अलग होने का कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, युक्तिसंगत आधार नहीं है, कारण नहीं है। तीसरा, अनुतोष प्राप्त करने में और कोई विघ्न बाधा नहीं है। ये तीन बातें उसको साबित करनी पड़ेंगी। यदि दूसरा पक्षकार ऐसी स्थिति में साबित कर देता है, दूसरा पक्षकार नहीं प्रतिवादी, वादी तो वो होगा जो अग्रीव्ड है, वाद लावेगा, तो दूसरा पक्ष क्या होगा, प्रत्यर्थी या प्रतिवादी, प्रतिवादी या साबित कर दे कि उसके अलग रहने का युक्तिसंगत आधार या कारण विद्यमान है, तब ऐसी स्थिति में याची की याचिका खारिज हो जाएगी। अब दूसरी बात इसमें आती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है। देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों पक्षों पर होता है, वादी पर भी होता है, प्रतिवादी पर भी होता है। वादी मतलब जो वाद लाता है, वादी पर बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, वो यह साबित करे कि प्रतिवादी ने उसके साथ रहना जो छोड़ दिया है, उसके अलग रहने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं है, यह नो रीजनेबल ग्राउंड, यह साबित करने का भार वादी पर है। और दूसरी ओर प्रतिवादी या प्रत्यर्थी पर क्या होगा बर्डन ऑफ प्रूफ, वो साबित करे बियॉन्ड डाउट कि उसके अलग रहने का रीजनेबल आधार या कारण मौजूद है। और इसको स्पष्ट किया गया है धारा 9 का के स्पष्टीकरण द्वारा। धारा 9 का स्पष्टीकरण बच्चों जोड़ा गया है 1976 में जब अमेंडमेंट किया गया हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अमेंडेड एक्ट इन द ईयर 1976, उसके द्वारा धारा 9 में स्पष्टीकरण जोड़ा गया है जिसके जरिए बर्डन ऑफ प्रूफ को स्पष्ट किया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ वादी पर कब होता है, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी पर कब होता है। वादी पर होता है यह साबित करने का भार कि प्रतिवादी ने बिना किसी युक्तिसंगत आधार या कारण के उसके साथ रहना सहवास करना छोड़ दिया है, भले ही भौतिक रूप से एक ही घर में वह रह रहा है, लेकिन पति पत्नी के रूप में जो है रिश्ता जो होना चाहिए साहचर्य करना छोड़ दिया है।
उसके अलग रहने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं है और अनुतोष प्राप्त करने में कोई विघ्न बाधा नहीं है, ये भार वादी पर होगा। जब ये वादी साबित करेगा तो प्रतिवादी को भी तो मौका मिलेगा। प्रतिवादी यह साबित करेगा कि उसके अलग रहने का युक्तिसंगत आधार या कारण मौजूद है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा प्रतिवादी पर। तो इस प्रकार बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर जाएगा वादी से प्रतिवादी पर। इसको 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसके जरिए इसको जोड़ा गया है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये बताने की है कि यहाँ पर साहचर्य क्या क्या मतलब होता है। साहचर्य मीन्स सहवास, यहाँ सहवास का क्या मायने मतलब होता है। तो इसमें देखिए व्यू जो हमारे यहाँ पर इंडिया में है तो उसमें देखिए दो हाई कोर्टों का व्यू है, दोनों केसेस को आप ले लीजिए। वे पहला केस है इसमें जो है गया प्रसाद बनाम भगवती, गया प्रसाद बनाम भगवती का केस है, ये एमपी हाई कोर्ट का है। और इसके बाद एक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का केस हुआ है, देखिए वो केस मैं रिमाइंड करता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो वो इन दोनों केसेज में फैक्ट ये था कि पत्नी, मान लीजिए पति के परमिशन से बाहर कोई नौकरी करती है आउट ऑफ स्टेशन, पति परमिट करता है वो बाहर नौकरी करने जाती है, साल दो साल नौकरी करती है, बाद में पति कह देता है कि तुम नौकरी छोड़कर चली आओ, लेकिन पत्नी इसको डिनाई कर देती है, तो क्या यह माना जाएगा कि पत्नी ने अपने आप को पति के साहचर्य से विलग कर लिया है। यही फैक्ट थे दोनों केसेज में। आज दोनों ही केसेज में उच्च न्यायालयों ने यह कहा है, जो यहाँ का व्यू है इंडियन व्यू पॉइंट, कहा है कि जिस पल जो है पति पत्नी से कहे कि तुम नौकरी पेशा छोड़कर चली आओ, तो पति की आज्ञाओं का पालन करना हर पत्नी का कर्तव्य होता है। यदि पत्नी आज्ञा का पालन नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि वह पति को साहचर्य से सहवास से अपने आप को अलग कर रही है। जिस पल जो है पति कहे कि तुम नौकरी छोड़कर चली आओ, तो पत्नी का यह फर्ज होता है, भले ही पत्नी पति के परमिशन से ही क्यों न बाहर नौकरी कर रही हो। ये हो गया देखे नरोवर दृष्टिकोण है, ये संकुचित दृष्टिकोण है, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता, अच्छा दृष्टिकोण नहीं लगता है। तो बाद में जो है इसको विस्तृत अर्थों में यदि एक्सेप्ट करें, बाद में एक दृष्टिकोण हुआ है देखिए, अब यही दृष्टिकोण अडॉप्टेबल है, ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, मुझे पर्सनल तौर पर बहुत अच्छा लगता है। ये है एक केस हुआ है आंग्ल कामला में, इंग्लैंड में, ब्राडसो बनाम ब्राडसो, लिख लीजिए ब्राडसो बनाम ब्राडसो का केस हुआ है, ब्राडसो शरीफे वाला सा, ब्राडसो बनाम ब्राडसो। और इसमें जो जजमेंट सुनाया था जस्टिस न्यून साहब ने, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सहवास का मतलब क्या होता है, कोहैबिटेशन का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कोहैबिटेशन सहवास का मतलब ये नहीं होता कि पति और पत्नी हमेशा भौतिक रूप से एक साथ रहें। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे रेलवे के ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, सैन्यकर्मी हैं, व्यापारी व्यापार करने वाले हैं, ये महीनों नौकरी पेशा के संबंध में बाहर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या इनकी पत्नियां कह सकती हैं कि पति ने जो है उनको साहचर्य से अलग कर दिया है, सहवास से अलग कर दिया है। तो विपरीत परिस्थितियों में क्या ये पति कह सकता है कि पत्नी ने उसको सहवास साहचर्य से विलग कर दिया है, ये उचित नहीं होगा। सहवास का मतलब ये नहीं होता, साहचर्य का मतलब ये नहीं होता कि पति पत्नी हमेशा 24 घंटा हमेशा भौतिक रूप से एक साथ रहें। यही दृष्टिकोण ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। ये तो मैंने आपको सहवास बता दिया नैरोअर दृष्टिकोण में, जो हमारे उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण है। अब ब्रॉडर दृष्टिकोण से ये व्यू जो है ये ज़्यादा उचित प्रतीत होता है ब्राडसो बनाम ब्राडसो के केस में, जस्टिस न्यून साहब का जो ये दृष्टिकोण है कि सहवास का मतलब ये नहीं होता कि पति पत्नी हमेशा जो है भौतिक रूप से एक साथ रहें।
यदि ऐसा होगा तो लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग होगा जिनके बारे में कहा जाएगा कि वो सहचर से विलग हो गए हैं, अलग हो गए हैं। ये तो मैंने आपको सहवास का मतलब बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज इसमें बताने की है कि रीजनेबल कॉज का क्या मतलब होता है। कहा ना कि इसमें जो है याची को साबित करना पड़ता है कि दूसरे पक्ष ने उसके साथ सहचर में रहना छोड़ दिया है, सहचर से विलग होने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं है। यहाँ पर युक्तिसंगत आधार का क्या मतलब है इसको आप समझ लीजिए। तो इसमें दो तीन बातें हैं, इसको नोट डाउन करिएगा। पहला तो देखिए धारा 13 में या धारा 10 में, धारा 10 और धारा 13 में, धारा 10 है न्यायिक पृथककरण के विषय में प्रावधान करती है हिंदू विवाह नियम की। न्यायिक पृथककरण और तलाक का ग्राउंड जो है धारा 13 में बताए गए हैं। न्यायिक पृथककरण और तलाक के जो आधार हैं वो जस्टिफाइड रीजन माने जाएंगे। पहला की न्यायिक पृथककरण और तलाक के जो भी आधार हिंदू विवाह अधिनियम में बताए गए हैं वो अलग रहने के युक्तिसंगत आधार माने जाएंगे। दूसरी बात, याची का कोई ऐसा दुराचरण जिसके चलते प्रतिवादी को यह महसूस हो कि अब उसका याची के साथ रहना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो सकेगा। हालांकि ऐसा दुराचरण न तो धारा 10 के अंतर्गत आता है, न धारा 13 के किसी डाइवोर्स के ग्राउंड के अंतर्गत आता है, लेकिन वो दुराचरण ऐसा है जिसके चलते प्रतिवादी के मन में यह बिल्कुल विश्वास हो जाए कि अब उसका वादी के साथ रहना व्यवहारिक रूप से असंभव हो गया है। तीसरी बात, जो फोस्टर बनाम फोस्टर का केस, लिख लीजिए, फोस्टर बनाम फोस्टर का केस हुआ है, ये आंग्ल केस है, आंग्लवाद है, ये 1963 का केस है, ईयर लिख लीजिएगा जहाँ तक है 1963 का केस है। इसमें जो है आंग्ल न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जो ये युक्तिसंगत कारण हैं या आधार हैं इनको ग्रेव और वेटी होना चाहिए। ग्रेव मतलब युक्तिसंगत कारण को गंभीर और वजनदार होना चाहिए, हल्का फुल्का नहीं चलेगा। युक्तिसंगत आधारों को ग्रेव और वेटी, वेटी ग्रेव मतलब गंभीर, GREVE, वेटी मतलब वजनदार होना चाहिए। ये मैंने आपको पूरा धारा 9 बता दिया। एक चीज इसमें जो है बताने की ये है, वो उसमें एक मैंने केस आपको देखिए तीरथ कौर बनाम कृपाल सिंह, वो केस देखिए मैं आपको भूल रहा था उस समय नहीं बता पाया था, जिसमें मैंने बताया उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण, उसको नोट डाउन करिएगा। तीरथ कौर बनाम कृपाल सिंह का केस है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है। और दूसरा केस है गया प्रसाद बनाम भगवती, ये है आपका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। अभी मैं भूल रहा था, मैंने कहा था ना याद आएगा तो बताऊंगा। उसके बाद लास्ट चीज इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ है, सरोज रानी, लिखिए केस का नाम, लिखिए साइटेशन लिख लीजिए, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड केस है, ये 1984 लिख लीजिए, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा 1984 सुप्रीम कोर्ट। प्रस्तुत महत्वपूर्ण मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 पूर्ण रूप से संवैधानिक है, इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। फिर फर्दर कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यह अधिकार तो विवाह की विशेष प्रकृति में ही निहित होता है कि पति पत्नी साथ में रहते हुए मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन का ईमानदारी से निर्वहन करें। पहले तो कहा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 पूर्ण रूप से संवैधानिक है, इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं होता। फिर कहा यह अधिकार तो दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, यह अधिकार तो विवाह की विशेष प्रकृति में ही निहित होता है, धारा 9 तो केवल उसको संहिताबद्ध करती है, इससे संविधान के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन
नहीं होता। इसी के साथ मैं अपना यह संक्षिप्त व्याख्यान आज समाप्त कर रहा हूँ। कल मैं आपको न्यायिक पृथक्करण पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मुस्लिम लॉ का जो है उसको फर्दर आगे करूँगा।